किसान आंदोलन के कारण प्रदेश के बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा बंद कर दी गई थी, जिसे अब एचआरटीसी के द्वारा दोबारा फिर से बहाल किया जा रहा है। बस सेवा बहाल होने से लोगों को भी राहत मिलेगी। एचआरटीसी हमीरपुर डिपो से नई दिल्ली के लिए बस सेवा आज से सुचारू की जा रही है। आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल ने बताया कि एचआरटीसी की बस शाम 5:15 बाया धनेटा होकर दिल्ली जाएगी और दिल्ली से 9:10 पर वापस हमीरपुर आएगी। साथ ही डिलेक्स की बस सेवा भी 6:30 बाया बोटा होकर दिल्ली के लिए शुरू की जा रही है, जो कि दिल्ली से 7:45 पर वापस हमीरपुर आएगी। आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते पिछले कुछ समय से हमीरपुर से दिल्ली के लिए बस सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी की बस 5:15 बाया धनेटा होकर दिल्ली जाएगी और दिल्ली से 9:10 पर वापस हमीरपुर आएगी। साथ ही डिलेक्स की बस सेवा भी 6:30 बाया भोटा होकर दिल्ली के लिए शुरू की जा रही है, जो कि दिल्ली से 7:45 पर वापस हमीरपुर आएगी। हमीरपुर डिपो जो है आज दिल्ली के लिए बस सर्विसेज शुरू कर रहा है दोबारा, जो कि किसान आंदोलन के कारण बंद कर दी गई थी, परंतु ये बसेज अब थोड़ा घूम के राय से डाइवर्ट लेंगी दिल्ली को और ये आज से शुरू कर दी जा रही हैं और यही बसें जो हैं कल से जो हैं दिल्ली से वापस आएंगी। तो इनके टाइमिंग इस प्रकार रहेंगे, पहली बस जो है हमीरपुर से वाया धनेटा चलेगी 5:20 पे और दूसरे दिन ये 9:20 पे दिल्ली से वापस आएगी। और इसी प्रकार दूसरी बस जो है वाया भोटा 6:30 हमीरपुर से चलेगी और दिल्ली से ये 7:45 पे शाम को चलेगी और ये बसें रेगुलर बेस पे चलेंगी। मेरी सभी से गुजारिश है, जो लोग दिल्ली में हैं या हमीरपुर में हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं या दिल्ली से आना चाहते हैं, तो इस बस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।